Hi guys what's up welcome back to my channel welcome to the sara squad

दिस किचन इज एन ओपन किचन फॉर्मैट इट्स सच अ ड्रीम टू हैव एन ओपन किचन इन अ मुंबई होम और आप लोग सब सोच रहे हो ये सारा किचन कब से आपका फेवरेट हो गया मतलब मैं तो खाना बनाने का केव ही नहीं करती हूँ आई कैनॉट कुक एंड आई डोंट इवन एन्जॉय कुकिंग बट ऑनेस्टली आई थिंक आफ्टर दिस किचन आई माइक जस्ट स्टार्ट कुकिंग बिकॉज इट्स

काफ़ी काम बचा हुआ है बाकी के घर में दैट आई विल बी एबल टू सी हाउ स्पेशियस दिस हैज मेड माय हाउस ओवरऑल बिकॉज वी गॉट गॉचेड ऑफ द इंटायर वॉर्ड एंड यू नो रियली रियली ओपन आउट द इंटायर स्पेस दिस एज ऑफ माय लाइफ दिस पॉइंट एट विच आई एम टुडे इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर मी टू हैव एन ओपन किचन बिकॉज मेरे किचन में एक्चुअली बिरयानी बिरिश्ता नहीं बनता है माई किचन इज एक्चुअली लाइक अ टू वे फंक्शनल ऑफिस कम किचन दैट इज देयर क्योंकि मेरा कॉफी ब्रांड है इफ़ यू ऑल डोंट ऑलरेडी नो आई हैव अ कॉफी by the name of Impulse Coffees. It's a startup, so we have a very small team, and they all work out of my house. So जब मुझे ये space मिली तभी मैंने सोच लिया था कि उनके हिसाब से मुझे ये space को modify करना जरूर है. It will be a kitchen के कल को अगर मुझे खाने बनाने हैं, it can do that too. But I should be able to accommodate Impulse team also. And since they work out of here, and since I'm a bachelor at, मेरी mom मेरा खाना अपने घर से बना के भेजती है. I don't really cook for myself. I can actually, you know, have an open kitchen at this point in my life. वो luxury में अभी ले

If you see my kitchen is a white kitchen and this kitchen has only been possible because of my kitchen designer that's the kitchen artisan it's a company owned by Anjali Shah and I gave my kitchen's full contract to her and

छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ना दिख के आ जाती है वाइट पे सो शी हैड टू डू इट परफेक्टली राइट एंड शी वी लाइक यू नो जब बन रहा था मुझे ऐसा डर लग रहा था कि एक्चुअली बन भी रहा है किचन के नहीं बिकॉज मॉड्यूलर पीपल डोंट डू एनीथिंग ऑन साइट उनका सब फैक्ट्री में होता है एंड सिंस दिस इज माई फर्स्ट हाउस मैंने पहले कभी घर नहीं बनाया आई हैड नो आइडिया कि ये सब चीज़ें कैसे होती है पूरा टाइम आई कुड ओनली आस्क फॉर अपडेट्स एंड नॉट रियली गेट एनी इमेजेस और मुझे कुछ फोटो या कुछ गारंटी नहीं मिलता था कि एक्चुअली मेरा किचन बन रहा है बट द डे दे लाइक मेक इट एंड ब्रिंग इट टू योर साइट एंड

दैट इज फंक्शनली और एस्थेटिकलीफ द हाउस और उसी को ठीक करने में लगी हुई हूँ बट किचन टीम लेव बिन माई किचन आई एम सुपर 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 है ड्रॉइंग एवरी थिंग जैसे शेयर किए थे उन्होंने वैसा का वैसा ही किचन बना के दिया है मुझे you know, कुछ भी चीज यूज करने लाइक like द्लोजिंग

तो ना तो लकड़ा इधर यूज होता है ना तो लैमिनेट कुछ भी नहीं पट्टी पट्टी टू इट मेरे घर में आप ये पैटर्न देखोगे काफी जगह वेल विद्सो बिकॉज ओपन किचन है ब्लैक हार्डवेयर बिकॉज वी हैिंग व्हाइट एंड ब्लैक ग्रेनाइट दिस वॉज माई मदर्स चॉइस एक्चुअली She was very hell bent that I have a granite in my kitchen and I don't take um, tiles in the back and then quartz over here. Honestly, granite ne बहुत हैरान किया, बहुत ज़्यादा मुझे रुलाया भी है, but what a good choice. जब मम्मी ने बोला था, हमलोग कोई भी on board नहीं थे, because firstly very expensive, like it's costing me.

get really beautiful sunlight. It a and the crystals <laughs> very We added this black hob. It's a glass top hob from CAF. Let's talk about the cabinets. Okay, the first thing over here i are gonna be very, very surprised. It's one of my uh, wow factor in the kitchen because this is actually a pocket door. So this door goes inside and reveals this sink which is not very beautiful. This area is like very messy area. either. and everything. And if you don't want it aesthetically in your house, you can just पुल आउट दिस एंड शोर और आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है कि आपके बर्तन कहाँ धुले थे फंक्शनली भी सुपर एनिकली भी सुपर तो ये एक फीचर मुझे एड करवाना ही था पॉकेट डोर का अपने किचन के प्लान में अंदर वी है डिश रैट द मेन टैप ऑफ यज स्टनिंग स्टेनलेस स्टील टैप है गोट फ्रॉम रूही एंड फॉर स्टेनलेस स्टील सो ऑल द हार्डवेयर इन साइड दिस इज स्टेनलेस स्टील लुक्स रियली गुड और अगर आप देखोगे हमारे पास दो टैप्स है इधर सिर्फ एक टैप नहीं है बिकॉज मेरे किचन में आप नल से पानी भर के पी सकते हो नल में आपको पीने का पानी मिलेगा जैसे ही आप ये ऑन करोगे आप पीने का पानी पी सकते हो यहाँ से एंड यहाँ पे फिल्टर्ड पानी आ रहा है बिकॉज ऊपर हम लोग ने कैंट लगाया है सो so, ऊपर से प्योरीफाई होके नॉन स्टॉप द कमिंग इन भी एकदम कूल चीज आ, मैंने ऐड करवाई अंजलि से ये सब मेरे रिक्वेस्ट थे कि मुझे ऐसा चाहिए मेरे किचन में सो दिस एडेड ओवर स्कॉच ब्राइट रखने आप देख सकते हो स्ट्रॉ के क्लीनर साथ हमने अभी रखा है कुछ भी जो भी आपको इधर लगे ना लगे आपका विम बार और uh, सूखा कपड़ा डस्टिंग का कपड़ा ये सब जो एक्चुअली इधर लोग रखते हैं सिंह के पास अब सिंग गंदा दिखता है वो सारी मैसी चीजें आप ये ऐसा बना के डाल दो And then niche over here we've got the dustbin which is also super cool because this dustbin is also like this so we have a wet and a dry. Above the hob we have like these three cabinets, three tall cabinets. So cabinets mein, there's this sheer fluted glass that we've gone for just because I really wanted to display my impulse coffees. Proud and how of my beautiful display of coffee that we have. So proud of my brand and so proud of the beautiful flavors that we have. So of course I'm going to display it. लगता है तो इस वे में एकदम मतलब मस्त सटल भी लगता है प्लस फंक्शनल भी है यहाँ से कॉफी लो बनाओ इट्स लाइक ओ एक्सेसिबल कॉफी बार्स आई हैव गॉट माय ब्यूटीफुल फ्लेवर्स लाइनड अप पल हियर पल्पपाइनएप्पल इज आवर फ्लेवर ऑफ द मंथ समर के लिए एंड देन पीछे हमारे सारे क्लासिक्स हैं आई हैव गॉट माय बॉक्स फुल ऑफ कॉफी सारा प्यार द फर्स्ट एडिशन द न्यू एडिशन और पीछे थोड़े ग्लासवेयर है

चाय। I miss Istanbul so much। ये मेरे collectors items हैं। so I've also got my Japan uh, craft gin, which is Roku gin, and that's a limited edition packaging, select edition का तो that I have over there. Next, moving on, we've got the fridge, and I have a very small fridge right now. Fridge काफी पुराना है। आप, मेरा first fridge है मेरे mom dad ने मुझे तब दिया था जब मैंने first independent home लिया था rent पे। uh, तो मेरे लिए बहुत special भी है ये fridge तो मुझे रखना था। Plus ये kitchen के साथ जा रहा है। It's a black fridge. I have all my beautiful fridge magnets of everywhere

रख सकते हैं हम लोग है, हर चीज छुप चुकी है बट हर चीज मेरे नीड्स के हिसाब से वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इधर भी आप कभी बोल नहीं पाओगे कि मेरा गैस का मीटर एक्चुअली छुपा हुआ है इस खबर के अंदर और फिर टिश्यू पेपर बबल रैप टॉयलेट रोल ऐसे सब सब कुछ स्लीक वे में एकदम

एंड इधर हमारे जो एक्चुअली सिर्फ अंडा बनता है ये किचन में तो अंडे के लिए जो लगता है नमक ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स पीरी पीरी वो सब सामान है एंड पीनट बटर एंड देव गॉट लिटरली इफ यू कैन सी आई ओनली मेक कॉफी एंड एग्स एंड आई हैव ऑल द सामान टू मेक माय कॉफी एंड एग्स इन दीज डॉल सो दिस इज लाइक द सर्विंग काउंटर ऑफ द किचन ओवर ओव यी गॉन फॉर क्वार्ट्स आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने इधर और इधर दोनों जगह क्वार्ट्स नहीं लिया बिकॉज इसको पता नहीं मेंटेन करना इतना मुश्किल है इस पे इतने सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं आई स्टिल हैव टू लर्न द मेंटेनेंस ऑफ दिस अगर आपके घर में क्वार्ट्स है प्लीज कमेंट डाउन

तो ये ऐसा ओपन करके हम रख देते हैं एंड देन वी पुट गरम खाना ऑन दिस एंड सर्व जस्ट नीड टू लर्न हैज बी डन अब काफी ऑफ हाउस uh, दूर से, से समझ में नहीं आता बट एम परफेक्शनिस्ट सो आई के नॉट हैथिंग इन माई हाउस तो मैं एकदम खुद ही बैठ के इसको पूरा दिन साफ करती रहती हूँ अब भी अभी घर बना है ये तो मैंने रिक्वेस्ट किया ही था अंजलि को आई अ माइक्रोवेव नीश सो शीज गिवन मी दैट इन द डिजाइन प्लान एंड इन द किचन के पीछे एक लाइट पॉइंट है ऊपर से ऑपरेट लाइट पॉइंट किचन माइक्रोवेव का एंड दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड आई एफ बी माइक्रोवेव मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में मुझे गिफ्ट किया था वन आई मूव आउट ऑफ दियर हाउस एंड स्टिल यूज इट्स अ गुड माइक्रोवेव हैव नॉट वॉट एनी न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी वर्क में बैठते हम बैठा देते हैं उसको चीज खिलाते हैं और हम भी इधर खाना खाते हैं बिकॉज ये घर में डाइनिंग टेबल नहीं है दिस इज द एक्टिव काउंटर दिस इज द ओनली डाइनिंग टेबल

It's a white fan and it's a smart fan. It's from Attenberg. And my entire kitchen is actually a smart kitchen because everything in this kitchen is automated. So all you gotta say is, Hey Siri, uh -huh. turn the lights on in the kitchen. <laughs> and that's exactly how it works. I love the vibe of the kitchen in the nighttime. It's a mood. <laughs>

Light off, light on.

बिकॉज जब मैं दिखाती हूं तो आई लाइक टू टेल ऑल द फैक्ट्स ऑल्सो कि कल को अगर आप अपना किचन बनाओगे या आप अपना घर बनाओगे तो ये सारी चीजें आप करो या मत करो बट ऑनेस्टली इफ यू हैव द मनी टू स्पेंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो अहेड एंड गेट अ मॉड्यूलर किचन एंड वर्क विद द किचन आर्टिस्ट बिकॉज आई हैड अ रियली रियली गुड वर्किंग एक्सपीरियंस विद एंड एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम फाइनली तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मिल जाए यूज करने एज एन एंड यूजर यू हैप्पी विद दैट इफ यू लाइक बिग थम्स टू से डी ब्रिटो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल इफ यू परफेक् sarah score shout out you know what to do hit the subscribe button bell icon right next to it and also leave a comment down below saying hashtag sarah Scored, and you get a chance to be a part of my next video sarah score out. i was guys very soon another video. bye guys love you Mwah.